गाइड चंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा गाइड आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम देखेंगे चैप्टर एक बहुत साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इनफैक्ट साइकोलॉजी का रूट है, जिसका नाम है वैयक्तिक विभिन्नता। शुरुआत के लिए बस परिचय करना इतना काफ़ी है। मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है हर बच्चा अद्वितीय या विशिष्ट होता है, मतलब एक बच्चे जैसा दूसरा बच्चा दुनिया में है ही नहीं, मतलब हर बच्चा यूनिक है गाइज। यूनिक का मतलब ये है कि आप समझो कहने का अर्थ क्या है, जुड़वा बच्चे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किए और उन्होंने कहा कि जुड़वा बच्चों का भी गुण एक जैसा नहीं होता। भाई आप सोचो सबसे नज़दीकी मामला क्या है, जुड़वा बच्चे। ज़्यादा चांस रहता है कि जुड़वा बच्चों में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, इसके बावजूद जुड़वा बच्चों में सारी चीज़ें कॉमन नहीं होती, अर्थात दुनिया के कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं। शरीर के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर, चिंतन के आधार पर, रुचियों के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर, मतलब कहीं ना कहीं अंतर मेरे बच्चों ज़रूर पाया जाएगा। मतलब यही अंतर जो शारीरिक या मानसिक रूप से दो लोगों को अलग करता है या दुनिया के हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, वही मेरे बच्चों क्या कहलाती है, वैयक्तिक विभिन्नता। तो चलिए आपसे बातें करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या है वैयक्तिक विभिन्नता, फिर से एक बार कह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पर कोई न कोई अंतर जरूर पाया जाएगा। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता। तो चलिए एक बार कुछ डेफिनेशन देखते हैं। पहली डेफिनेशन है स्किनर की, क्या बहुत सटीक डेफिनेशन है, दुनिया की सबसे बेहतर डेफिनेशन। क्या वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव हो, मतलब कहने का क्या है कि वैयक्तिक विभिन्नता में कुछ भी आ सकता है, आपकी रुचियाँ आ सकती हैं, आपके कपड़े आ सकते हैं, आपका व्यक्तित्व आ सकता है, आपका चेहरा आ सकता है, आपके ज्ञान का स्तर आ सकता है, कुछ भी शामिल हो सकता है। बस एक शर्त क्या है, जिसका क्या संभव हो मापन, आप खुद समझो। जब यार मापन नहीं करेंगे तो अपन कैसे जानेंगे दोनों में अंतर है, इसलिए एक तो अंतर हो, दूसरा उन अंतरों को मापन करना संभव, वरना अपन कैसे जानेंगे कि इस आदमी में कम है और सामने वाले आदमी में ज़्यादा है, या स्किनर की है और दूसरी परिभाषा महान टाइलर की है। वो क्या कहते हैं, उसने कहा, मतलब सुनिए डेफिनेशन का प्रेशर समझिए, कहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर इतना साफ है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक है, मतलब कि अंतर न केवल पाए जाते हैं बल्कि इतने साफ दिखते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वैयक्तिक विभिन्नता पूरी दुनिया का एक गुण है। यह कौन कहता है, टाइलर। और अब गाए जाएंगे हम वैयक्तिक क्यों पाई जाती है, कौन कौन से कारण होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता भला लोगों में क्यों पाई जाती है। तो पहला कारण क्या है, वंशानुक्रम। गाइज हम देखते हैं आँखों का रंग, चेहरे का आकार, शरीर रचना, रंग रूप का कद काठी हमें हमारे माता पिता से मिलती है। और आप पहले ही बता चुका हूँ कि जुड़वा बच्चों का भी वंशानुक्रम एक जैसा नहीं होता, इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि दो लोग एक जैसे होंगे। इसलिए सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से दो लोग एक जैसे नहीं होते मेरे भाई, क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। तो गाइज हम बात कर रहे थे वातावरण की। देखिए गाइज वातावरण बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और बहुत बड़ी वजह होता है किसका, वैयक्तिक विभिन्नता का। जैसे आप देखो, अब जैसे हम देख रहे हैं गाइज, अब मैंने आपको जैसा बताया कि गर्मी काफ़ी है जून में, मई में, जून में। अब आप देखिए इसी वजह से हम एशियाई देश जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ के लोगों की गर्मियों में कार्य क्षमता घट जाती है। हम उस जैसे अब आप समझ लो इस समय यूपी में लगभग ज़्यादातर शहरों का तापमान 42-43 इस तरह से तापमान है, ऐसे में अगर आप काम करना भी चाहते हो तो आपके कार्य, अब आप धूप में नहीं काम कर सकते। अब सोचो आप धूप में कोई फावड़ा चलाए लगातार, पॉसिबल नहीं, वो बीमार हो जाएगा। धूप हमारे कार्य करने की बाधा में बाधा बनती है, जबकि वहीं पर पश्चिमी देशों की आप वातावरण देखिए, जलवायु ठंडी होती है साल के कई महीने तक, बर्फ जमता है, अर्थात यह हमारे पार्ट पे आलस, उनके पार्ट पे सक्रियता एक कारण बनती है हमारे उनके अंतर में किसके रूप में, वातावरण। और गाइस आप जानते हैं रुचियाँ बहुत बड़ा कारण होती है वैयक्तिक विभिन्नता की, कि भाई मुझे शर्ट का ये कलर पसंद है, किसी को टी शर्ट का वो कलर पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, किसी को पिज्ज़ा पसंद है, अर्थात दुनिया में दो लोगों की रुचियाँ एक जैसी नहीं होती, अर्थात रुचि भी एक कारण होती है किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। शिक्षा गाइस सिंपल सी बात है, डॉक्टर और वकील की शिक्षा में हमेशा अंतर ही होगा। भाई डॉक्टर की शिक्षा पूरी तरह से साइंस
साइंटिफिक होगी, इधर इनकी शिक्षा क्या होगी, पूरी तरह से कानून पर होगी। कवि की शिक्षा क्या होगी, पूरी तरह से कल्पना पे होगी। अर्थात शिक्षित अशिक्षित में भी अंतर है और शिक्षित शिक्षित में भी अंतर है। इवन यहाँ तक अगर दो डॉक्टर भी एक होंगे, एक ही टाइप के डॉक्टर होंगे, उनकी क्षमता में जरूर कोई ना कोई अंतर होगा। अगला संस्कृति, दोस्त आपको बता दूँ सिंपल सी बात, संस्कृति भी एक बहुत बड़ा कारण है किसकी, व्यक्तित्व विभिन्नता की। जैसे आप क्या देखते हो, हमारी संस्कृति में दर्शन का विकास हुआ, हमने धर्म को शुरू में बहुत जोर दिया, जबकि पश्चिमी देशों की संस्कृति ने वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया। अर्थात उनकी संस्कृति का वैज्ञानिक प्रगति हमारी संस्कृति में धार्मिक या चिंतन या दार्शनिक चिंतन हमें अलग करती है किसके आधार पर, संस्कृति के आधार पर। क्षमता, दुनिया में कोई भी दो लोगों के कार्य करने की क्षमता सेम नहीं होती, अर्थात समान दिखने के बावजूद समान कार्य करने की प्रणाली लोग नहीं अपनाते, वही क्षमता नहीं रख सकते। अर्थात क्षमता भी कारण होती है किसकी, व्यक्तिक भिन्नता की। और अब गाइस बुद्धि आप देखिए, अगर दुनिया में दो लोगों में बुद्धि बराबर पाई जाती तो टर्मन क्यों बनाता बुद्धि लब्धि सारणी। अर्थात बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से ज़्यादातर निर्धारित होती है, इसलिए दुनिया में किन्हीं भी दो लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। बार बार बोल रहा हूँ, चाहे वो जुड़वा भाई क्यों ना हो, अर्थात बुद्धि भी एक कारण हो सकती है किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। ग्रहण शक्ति का आप जानते हैं, ग्रहण शक्ति मीन्स समझने की शक्ति। एक ही शिक्षक उसी विषय वस्तु को सारे बच्चों को पढ़ाता है, पर आप जानते हैं समझने में वो अलग अलग समय लेते हैं, कोई दो मिनट में समझ जाता है, कोई दो घंटे में समझ पाता है, और कोई कोई तो ऐसा होता है कि दो दिन में भी नहीं समझ पाता। तो अब ये देखते हैं गाइस क्या अगला, समस्या समाधान। दुनिया के कोई भी दो लोग एक सवाल को एक ही समय में नहीं लगाते, भले ही वो सेकंड के नीचे का अंतर हो। हमारी घड़ियाँ ज़्यादातर सेकंड के नीचे नहीं रीड करती, पर अगर आप सेकंड के नीचे रीड करोगे, आप टाइमर लगा दो, कभी भी दो बच्चे एक टाइम में सवाल नहीं लगाएंगे, इम्पॉसिबल है। अर्थात सवाल लगाने की क्षमता, समस्या समाधान भी दो लोगों में बराबर नहीं होता, अर्थात यह भी कारण बनता है किसका, व्यक्ति विभिन्नता के। आर्थिक स्थिति का आप जानते हैं, कोई धनी होता है, कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, अर्थात आर्थिक स्थिति भी वजह हो सकती है काहे की, व्यक्ति विभिन्नता की। भाषा, आप लोग दोस्त जानते हैं लैंग्वेज, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, अर्थात लैंग्वेज भी कारण हो सकती है काहे की, व्यक्तिक विभिन्नता की। राष्ट्रीयता, आप देख लीजिएगा इधर राष्ट्रीयता, हम भारतीय लोग सरकारी नौकरी को ज़्यादा, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी को सबसे सेफ ऑप्शन मानते हैं, वही अमेरिका के लोग, पश्चिमी देशों के लोग बिजनेस को ज़्यादा सेफ मानते हैं। यह अंतर हम में राष्ट्रीयता के आधार पे है, अर्थात राष्ट्रीयता भी बच्चों एक कारण हो सकती है किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। 14वां प्रजाति, प्रजाति का गाइस सिंपल क्या है कि कई बार बुद्धि परीक्षण लिए गए तो क्या पाया गया कि अमेरिका के निग्रो पीपल वहाँ के गोरे अमेरिकन से कम बुद्धि लब्धि में पाए गए। अर्थात प्रजाति में भी कुछ अंतर हो सकते हैं काहे के, व्यक्तिक विभिन्नता का कारण बन सकती है। धर्म देखिएगा, जब यही देख लीजिए, हमारे मुस्लिम धर्म में दफनाने की प्रथा है, हमारे हिंदू धर्म में जलाने की प्रथा है, मतलब दुनिया के अलग अलग धर्मों में धार्मिक रीति रिवाज थोड़ा अलग अलग है गाइस। अर्थात धर्म भी कारण हो सकता है क्या, वैयक्तिक विभिन्नता का। उम्र गाइस, हम सब लोग जानते हैं 5 वर्ष के बच्चे से हम वही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो हम 25 साल के नवयुवक से कर सकते हैं। भाई बच्चों का चिंतन अमूर्त होता है, वयस्क का चिंतन मूर्त अमूर्त दोनों होता है, अर्थात उम्र भी कारण हो सकती है किसकी, वैयक्तिक विभिन्नता की। लिंग, हम सारे लोग जानते हैं दोस्त, लिंग महिलाओं के और पुरुषों की कार्य प्रणाली थोड़ी थोड़ी अलग होती है, जैसे महिलाओं में शर्महया ज़्यादा होती है, पुरुष में ऐसा नहीं, महिलाओं पुरुष में नहीं होती, पर महिलाओं में करुणा मातृत्व की भावना जो पाई जाती है वो कभी भी पुरुष में नहीं पाई जा सकती, अर्थात लिंग भी कारण हो सकता है काहे का, वैयक्तिक विभिन्नता का। और अब चलेंगे दोस्त, अब प्रश्न ये है कि जब इतने सारे अंतर पाए जाते हैं तो क्या वैयक्तिक विभिन्नता एक अभिशाप है, तो गाइस आपको बता दूँ, ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा, साइंस द्वारा, जो भी आप समझो, मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार वैयक्तिक विभिन्नता ही है। नहीं तो सोचो आज क्या होता, पूरा गांव पुलिस में भर्ती होता, हर आदमी डॉक्टर बनने का प्रयास करता। यह वैयक्तिक विभिन्नता ही है मेरे बच्चों जो हमें अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रुचियाँ, अलग अलग पर्सनैलिटी में बांटता है। तो चलो एक बार देखते हैं दोस्त क्या, तो चलिए आपको एक बार बताते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या प्रयोग है। पहला, कक्षा का सीमित आकार। अब आप यहाँ देखिए ऊपर क्या लिखा है, एक बच्चे के जैसे दुनिया का दूसरा बच्चा ही नहीं है, तो आप 12-1200 लोगों की क्लास बना के क्यों पढ़ा रहे हो। कहने का अर्थ है,
कक्षा की संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए ताकि जितने कम विद्यार्थी उतना ही बेहतर टीचर का कवरेज, क्योंकि दो विद्यार्थी एक जैसे नहीं है तो अपन हजार विद्यार्थी को एक जैसा मान के क्यों पढ़ा रहे हैं। अर्थात जितना बड़ी संख्या होती जाएगी टीचर का कंट्रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा विशिष्ट है, एक बच्चे को कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, शिक्षक भी दिखाए, जब ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे अंधे को, उसे सामान्य कक्षा में नहीं पढ़ा सकते, मंद बुद्धि को दिखा के पढ़ाना पड़ता है। अर्थात जैसा बच्चा वैसी शिक्षक विधि, यह वैयक्तिक विभिन्नता। दूसरा, मूल्यांकन, मूल्यांकन में निगाहित वही बात है, मंद बुद्धि बंदे से वह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसा कि अपन को सागर बुद्धि से कर सकते हैं। अर्थात कभी भी आप प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हो तो आप कभी भी आशा मत करो कि मंद बुद्धि उतने ही मार्क्स स्कोर करेगा जितना एक प्रतिभाशाली बालक करेगा, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है गाइज। बुद्धि रातों रात नहीं बढ़ाई जा सकती गाइज, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ। और अब आएगा, अब आप देखिएगा, जिसे आप हाई स्कूल की परीक्षा में क्या देखते हो, सामाजिक विज्ञान में जो मैप के प्रश्न आते हैं मानचित्र के, आपने देखा होगा वहाँ दो भाग होते हैं, एक मानचित्र का आता है, एक लिखा रहता है दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई दृष्टिहीन मतलब जो साफ नहीं देख सकता, वो साफ नहीं देख पाएगा मैप का उत्तर कैसे देगा, इसलिए उसके अंतर को देखते हुए उसको कुछ सरल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, न कि मैप भरने के लिए। यह मूल्यांकन किस पे आधारित है? वैयक्तिक विभिन्नता के। और अब दोस्त, व्यावसायिक शिक्षा, किसी को भैया फिटर ग्रेड पसंद है, किसी को सिलाई पसंद है, किसी को ब्यूटी पार्लर पसंद है। व्यावसायिक शिक्षा ये नहीं कि आपने एक शिक्षा ला दी, नहीं साहब पूरा भारत व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर सिलाई मशीन सीखेगा, ऐसा नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा भी विभिन्न प्रकार की होनी चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय का, ये आप जानते हैं, विद्यालय ऐसे बनाए जाने चाहिए जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तकनीक, कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की, विभिन्न प्रकार के विषय रखते हैं ताकि विद्यार्थी अपने पसंद का विषय या उद्देश्य चुन सके। छात्रों का वर्गीकरण गाइस यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कक्षा में, देखो वर्गीकरण करते नहीं बच्चों को आप बांट दो, मंद बुद्धि को पीछे ले जाओ, कुशाग्र बुद्धि को आगे ले जाओ, ये वर्गीकरण करते नहीं गए। मतलब टीचर को मन ही मन कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्या मेरी कक्षा के कुछ विद्यार्थी अत्यंत ही मंद बुद्धि हैं, कुछ कुशाग्र बुद्धि हैं, तो मुझे ऐसा पढ़ाना चाहिए कि दोनों का काम बन सके। ये छात्रों का वर्गीकरण है, विषयों का चुनाव गए जब समझ रहे हैं भाई, जैसा विद्यार्थी, भाई कई विषय होंगे तभी तो विद्यार्थी अपने पसंद का विषय चुन पाएगा। अर्थात विषयों के चुनाव में कई विकल्प मौजूद होने चाहिए। और अब है गाइज परामर्श एंड सुझाव, विद्यार्थी को वैसा ही परामर्श दिया जाना चाहिए जिसके लिए वह रेडी है। कहने करते हैं क्षमता देखकर, कैपेसिटी देखकर दिया जाना चाहिए। और अब है गाइज वैयक्तिक विभिन्नता जानने की विधियाँ, और गाइज आप समझ सकते हैं यह व्यक्ति इतिहास विधि है, किसी आदमी का इतिहास जानना, अर्थात किसी व्यक्ति की क्या जानना, पृष्ठभूमि। कहने का सिंपल मतलब यह है गाइज, राम ही क्लास में क्यों फर्स्ट आता है, सीमा ही हमेशा लास्ट क्यों आती है। अब इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके घर के बारे में जानना पड़ेगा, उनके विद्यालय के बारे में जानना पड़ेगा, उनके टीचर के बारे में जानना पड़ेगा। अब आप सोचो, यही चीज़ आप राम का अध्ययन करोगे, यही श्याम का, यही फरहान का, यही राजू का। कहने का दोस्त मतलब ये हुआ कि कभी दो लोगों का डेटा क्या आपको लगता है एक आएगा? नहीं आएगा। अर्थात इससे हमें क्या पता चलेगी, वैयक्तिक विभिन्नता। दूसरा एकदम इसी से जुड़ा है, समूह लेखन विधि, एग्जैक्ट व्यक्त इतिहास विधि है, पर इसमें जो जुड़े पक्ष हैं उनका लिखित बयान, जैसे अब यहाँ आ गया, अब आप देखिए, जैसे ये हो गया, यहाँ व्यक्ति कौन है, राम, यहाँ राम है, यहाँ श्याम है। अब राम के यहाँ माता पिता का बयान होगा, यहाँ शिक्षक का होगा, यहाँ मित्र का होगा, तरीका वही है पर लिखित है। यहाँ राम के माता पिता राम के बारे में कहेंगे, यहाँ शिक्षकों का बयान होगा, यहाँ मित्र का, वहाँ प्रधानाध्यापक का। अब आप खुद ही सोचिए, क्या दो लोगों के बयान मैच करेंगे? नहीं। अर्थात इससे भी हमें क्या मिलेगी जानने को, वैयक्तिक विभिन्नता। और लास्ट में गाइज, अगर कोई तरीका नहीं है तो सबसे बेहतर तरीका है आप परीक्षा ले लीजिए। पहला,
बुद्धि परीक्षण, आप टर्मन का स्केल यूज कर सकते हैं। दुनिया में मैंने पहले भी बोला, दो लोगों में बुद्धि कभी बराबर नहीं होती, अर्थात बुद्धि परीक्षण से भी हमको अंतर या व्यक्तिक विभिन्नता जानने को मिलेगी। अभिरुचि या रुचि परीक्षण, मैंने आपको बोला किसी को काला कलर पसंद है, किसी को सफ़ेद रंग पसंद है, अर्थात दुनिया में दो लोगों की रुचियाँ जान ले तो भी अपन उनके बीच के अंतर या व्यक्तिक विभिन्नता को समझ सकते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण, कोई शर्मीले प्रवृत्ति का होता है, कोई साहसी होता है, कोई क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, कोई सहनशील होता है, कोई समायोजनशील होता है। लोगों में अलग अलग व्यक्तित्व पाया जाता है, अर्थात इससे भी हम लोगों को व्यक्तिक विभिन्नता जानने को मिलेगी। और लास्ट में है अभिक्षमता परीक्षण, कभी भी कोई सवाल दे दीजिए। अब गाइस यही देखिए, आप सी टेट का को मैं डायरेक्ट आपको अपनी लाइफ से ही जोड़ देता हूँ, आप सी टेट का एग्ज़ाम देंगे, क्या आप सभी के अंक बराबर आने वाले हैं? नहीं। आप में से कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल भी हो गए, अर्थात अभी क्षमता में या कैपेसिटी में दुनिया के कोई भी दो विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। हम सवाल देकर, बच्चों की टाइमिंग देखकर उनकी क्षमता का पता लगा सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कहूँगा दो बच्चों का टाइम कभी मैच नहीं होगा, क्योंकि हम में पाई जाती है क्या व्यक्तिक विभिन्नता। इस बात के साथ लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, फिर से सुनेंगे, दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, हर आदमी अद्वितीय है, मुझ में कुछ ऐसे गुण हैं जो आप में नहीं है। यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक अंतर ही हमें एक दूसरे से जो अलग करता है, हम उसी को क्या बोलते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता। तो चलें गाइज, इस लेक्चर को देखिए और प्लीज़ कमेंट करिए कैसा लगा। थैंक यू।